हेलो नमस्ते केम छो सत श्री अकाल गाइज, आई होप यू आर यूटिलाइजिंग दिस लॉकडाउन टू द फुलेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लेमिशेज, इन सब के बारे में, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि आपकी स्किन पर एक्चुअली में है क्या, वो एक्ने है या एक्ने स्कार है, या वो सिर्फ ब्लैक हेड्स हैं या वो सिर्फ वाइट हेड्स हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्ने के बारे में जानने से। एक्ने बेसिकली एक डिजीज़ होती है जिसका पिंपल सिर्फ एक सिम्टम होता है। हाँ जी, एक्ने और पिंपल में इतना डिफरेंस है। आपको लगता होगा एक्ने और पिंपल ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोग तो एक्ने को पिंपल, पिंपल को एक्ने ऐसे भी बोल देते हैं, पर अगर आपकी स्किन पर सिर्फ एक बम्प है तो उसे हम कहेंगे पिंपल, और अगर बहुत सारे बम्प्स हैं, पस फिल्ड ब्रेकआउट्स हैं, उसे हम कहेंगे एक्ने। तो बेसिकली आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक्ने इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ पिंपल। एक्चुअली एक्ने ब्रेकआउट्स काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका ऑयली स्किन। ये तो आपको सबसे कॉमनली पता ही होगा कि अगर आपके ऑयल ग्लैंड या हेयर फॉलिकल्स नॉर्मल से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ब्रेकआउट ज़्यादा होंगे। तो इसमें आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको थोड़ा ड्राई रखें। वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। सेकेंड फैक्टर हो सकता है टीनेज। टीनेजर्स की एज में, प्यूबर्टी कंडीशन में, आपके हार्मोनल लेवल्स थोड़े इम्बैलेंस रहते हैं, उस एज में ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं। बट यूजुअली 20 की एज पे आने पर हमारे हार्मोनल लेवल्स अपने आप ही सेटल डाउन हो जाते हैं, तो द पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स गो अवे ऑन देयर ओन। यूजुअली आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से या ज़्यादा खट्टा खाने से या ज़्यादा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हमारे एक्ने या ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं, पर गाइस साइंटिफिक रिसर्चर्स ने ऐसा शो किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्ने में फ़र्क पड़ सकता है, आपके एक्ने इंक्रीज हो सकते हैं, तो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट आपको और किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको अभी एक्ने है तो आप मॉइस्चराइजिंग स्क्रब्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम से प्लीज़ दूर ही रहिए। आप उसकी जगह मॉइस्चराइजिंग जेल यूज़ कर सकती हैं, बिकॉज मॉइस्चराइजिंग स्क्रब एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स विल इवन वर्सन द कंडीशन दैट यू हैव नाउ। सिंस आपके जो एक्ने होते हैं वो तभी होते हैं जब आपके ऑयल ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं या आपके ओपन पोर्स क्लॉग हो जाते हैं फ्रॉम ऑयल एंड डस्ट। देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर टू वॉश योर फेस विद वाटर व्हेनेवर यू कम फ्रॉम आउटसाइड। Otherwise, you can have blackheads and whiteheads specially. Hormones ke alawa, you can also have increasing number of acne or breakouts due to some medical conditions like PCOD, polycystic ovarian disease. The reason for this is also the same, hormonal imbalance. तो ऐसी कुछ कंडीशंस में जैसे PCOD, teenagers या फिर आपके कुछ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से आपको एक्ने ब्रेकआउट ज़्यादा हो सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो आपको बच के रहना ही है। तो मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी फॉर योर ऑयली स्किन, जिससे आप उसको ड्राई रख सके, और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रो टिप ज़रूर दूंगी। तो इस लॉकडाउन स्पेशल प्रो टिप से आप घर पर बैठे बैठे इजीली अपने एक्ने और ब्रेकआउट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, वो भी ऐसी चीज़ से जो घर पर इजीली अवेलेबल होगी। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, ओनली एट डेंटल स्किंडल। तो आइए अब बात कर लेते हैं कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स की, क्योंकि अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स नहीं लगा सकते, प्लस आप स्क्रबिंग भी नहीं कर सकते। पर स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मेरे ओपिनियन में मैं आपको कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बता देती हूँ, अगर आपको भी कंफर्टेबल हो या अभी आपके घर पे वो अवेलेबल हो तो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है लैक्मे का एब्सोल्यूट स्किन ग्लॉस जेल। दूसरा है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको कुछ भी सूट नहीं करता और आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखना है और एक्ने से भी बचाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो थर्ड है न्यूट्रोजिना हाइड्रोबूस्ट जेल क्रीम। ये ऑयल फ्री है, लाइट वेट है, प्लस ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये तीन जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। स्टिल अगर आपकी स्किन टाइप पे कोई और सूट करता है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर स्किन टाइप, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। उसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपकी स्किन टाइप कौन सी हो सकती है, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली या फिर सेंसिटिव। बट अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको ये पता है तो आप प्लीज़ सेटाफिल यूज़ करिए। आई होप आपको एक्ने और पिंपल का डिफरेंस समझ आ गया होगा, प्लस एक्ने और पिंपल्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानना है कि एक्ने हमारे नोज़, फोरहेड, चीक्स, अलग अलग जगह पर क्यों होता है, जिसको हम फेस मैपिंग भी बोलते हैं, तो डू कमेंट बिलो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्ने स्पॉट आपसे क्या कहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की तरफ।
तो आइए अब हम बात करते हैं ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स के बारे में। ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स दोनों तभी होते हैं जब हमारी स्किन के पोर्स में ऑयल, बैक्टीरिया, डर्ट या स्वेट कुछ भी ट्रैप हो जाता है। बेसिकली दोनों में एक ही डिफरेंस होता है, ब्लैकहेड हमारे क्लोज रहते हैं और जो हमारे व्हाइटहेड्स हैं वो ओपन रहते हैं। बेसिकली जब हमारे पोर्स एयर से एक्सपोज होकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब हम उन्हें ब्लैकहेड्स बोलते हैं, और सिंस व्हाइटहेड्स हमारे ओपन ही रहते हैं इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब हम चलते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के ऊपर। पहला ये है कि आप लीजिए हॉट वाटर, उसमें डालिए एक हैंड टॉवल, उसको डिप करिए फॉर हाफ अ मिनट, फिर उसको अपनी नोज़ पर या चिन पर रखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं। यहाँ पर उसको 1 मिनट तक रखने के बाद उसको धीरे धीरे ऐसे करके स्क्रब करिए, ऐसे करके आप उसको स्क्रब कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स रीअकर होने से बच जाते हैं। इसको आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं क्योंकि हमारी फेस की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सम मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स, मेडिकेटेड क्रीम्स, लाइक फॉर माइल्ड ब्लैकहेड्स यू कैन यूज़ अ सैलिसाइलिक एसिड स्क्रब। इससे आपका जो एक्सेस ऑयल है वो धीरे धीरे रिमूव होता है। फॉर मोस्ट स्टबर्न ब्लैकहेड्स यू कैन यूज़ अ रेटिनॉइड क्रीम। इससे आपका जो स्टिकीनेस होता है क्लॉक्स में, जो आपकी एयर या फिर आपका बैक्टीरिया, डर्ट ये सब ट्रैप हो जाता है, इसको अनक्लॉक करता है। तो ये तो हो गई हमारे ब्लैकहेड्स की बात, अब व्हाइटहेड्स की तरफ चलते हैं। व्हाइटहेड्स के लिए जैसे जो हमारे स्किन के पोर्स में बैक्टीरिया क्लॉग हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं वो हेयर फॉलिकल्स के अंदर नहीं जा पाते, इसलिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई इट स्टेज वाइट इन कलर। व्हाइटहेड्स के लिए भी आप या तो वेट टॉवल की वजह से जो हॉट वाटर में डिप करके मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आप स्टीमर की हेल्प से भी व्हाइटहेड्स अपने हटा सकते हैं बहुत स्लाइटली यहाँ से या जहाँ भी आपके ब्लैकहेड्स या व्हाइटहेड्स हो वहाँ पे स्क्रब कर, या अगर आप मेडिकेटेड कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी अ रेटिनॉइड क्रीम फॉर व्हाइटहेड्स। और अगर आप ब्लैकहेड्स के लिए लेना चाहते हैं तो ब्लैकहेड्स के लिए सबसे अच्छा होगा सैलिसाइलिक एसिड का स्क्रब। So let's just quickly see about what blemishes are. Blemishes is a generalized term used for any mark, discoloration or scar or any flaw that appears on our skin. Basically ये एक ऐसा generalized word है जिसमें सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। अगर आप acne ले, pimple ले या फिर blackheads, whiteheads बोले, इन सबको ही हम generalized way में blemish कहेंगे। तो blemish और कुछ नहीं, आपकी skin पर कोई भी flaw है, कोई भी flaw। सिंस अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप बाहर कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स या स्क्रब लेने तो जा नहीं सकते, तो लेट्स हैव सम होम रेमेडीज़ जिसकी वजह से आप अपने ब्लेमिशेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ टेक स्टीम ऑन योर फेस, इफ़ नॉट डेली देन ऑन ऑल्टरनेट डेज। सेकेंड वुड बी ड्रिंक इनफ वाटर सो दैट योर स्किन रिमेन्स हाइड्रेटेड। थर्ड इज़ डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एट लीस्ट फॉर 20 to 30 minutes। Fourth would be do not pop your pimples. Sixth is have a sound sleep. And seventh would be follow a good CTM, that is cleansing, toning and moisturizing routine. Because a good CTM routine can prevent your acne, blackheads and other blemishes to a great extent. तो ये तो हो गई हमारी acne, pimples, blackheads, blemishes, whiteheads की बात। तो अब हम चलते हैं हमारी secret pro tip की तरफ। तो as promised, I'll give you a pro tip as a home remedy। अगर आप कुछ भी मेडिकेटेड क्रीम अप्लाई नहीं करना चाहते या अभी पॉसिबल नहीं हो रहा तो ये वाली टिप आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो रात को सोने से पहले अगर आपके घर में जॉनसन्स बेबी पाउडर है तो उसको आप थोड़ा सा फेस पर डैब कर लीजिए, जहाँ पर आपको अपनी ऑयली स्किन थोड़ा ज़्यादा फील होती है जैसे टी जोन में, वहाँ पे आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा डैप करना है अपनी फिंगर्स के थ्रू। सेकेंड प्रो टिप वुड बी अगर आपकी कोई पिंपल पॉप आउट हुआ है तो आपको स्पॉट रिडक्शन करना है उसका, तो आप विक्स लेकर सिर्फ उसी जगह जहाँ पे पिंपल है वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं और आप देखेंगे सुबह उठ के वो पिंपल चला जाएगा। ये सब मैंने खुद अप्लाई करके देखा हुआ है, सो आई कैन टेल यू 90% ऑफ द केसेस में दिस वुड वर्क। बाकी के 10% के लिए यू कैन रेफर अ डर्मेटोलॉजिस्ट और रेफर द मेडिकेटेड क्रीम्स जो मैंने पहले आपको बताई हैं। और हाँ, और भी किसी क्वेरी के लिए आप मुझे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले जिसमें आपको पता चलेगा आपकी स्किन टाइप के बारे में। बाय बाय गाइज़।